हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैकी ट्रिप ब्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब पे जो वॉच टाइम का इशू चल रहा है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए और ये आखिर ऐसा रीजन आया क्यों। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूब के वॉच टाइम के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वॉच टाइम ही लेना बंद कर दिया। मुझे लगता है लाखों प्रोवाइडर्स होंगे, जितने भी छोटे क्रिएटर्स थे जो इस लाइन पर अर्निंग करने के लिए, उन्होंने खुद का अपना सर्विस देना स्टार्ट कर दी। मैं भी वॉच टाइम प्रोवाइड करता था बट कुछ दिनों से मुझे लगता है कि सैटरडे से या फ्राइडे से ये इशू स्टार्ट हुआ। तो इस इशू को जानने से पहले चलते हैं थोड़े से इसके हिस्ट्री के ऊपर में कि आखिर ऐसा हुआ क्या। याद होगा एक टाइम पे आज से 2-3 महीने पहले मनोज जैन एक ट्वीट करा था यूट्यूब को कि भाई इस तरीके से लोग वॉच टाइम जनरेट कर रहे हैं, प्लीज आप कुछ करो। याद होगा आपको। और उसके बाद 1 महीने या 15 दिन के बाद में फिर से वॉच टाइम लेना बंद कर दिया। ठीक है, सबको ये लगा कि भाई अब फिर तो गया ये चीज, अब से वॉच टाइम नहीं आएगा। अगेन कुछ टाइम के बाद में एक अपडेट आया कि आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो उस वीडियो के व्यूज बढ़ने की जगह घट रहे हैं। इवन आप ये स्क्रीनशॉट देखो, कुछ लोगों ने मेरे को ये भेजा है, माइनस में जा रहे हैं भाई व्यूज। यूट्यूब में कुछ बग था जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, और उस बग के बाद में फिर से सिस्टम अपना सही हो गया। अब मैं इतने सारे वीडियो देख रहा हूँ लोग जो अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ये बोल रहे हैं 7 या 8 तारीख को YouTube ने लगभग 30 मिलियन IP एड्रेस को बैन किया है। बैन करने से क्या होगा, IP तो अनलिमिटेड है, जिसको अनंत बोलते हैं, हर टाइम नया IP ही जनरेट होता है, तो YouTube कितना IP पकड़ सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। मुझे ये रीजन वैलिड नहीं लगता कि इतना IP अगर बैन करा है तो जिसके वजह से वॉच टाइम बंद हो गया, तो ऐसे बहुत सारे VPN होंगे जिसको लोगों ने यूज नहीं किया होगा। और मुझे लगता है कि कुछ VPN ऐसे है जो आज तक कोई नहीं जानता होगा, मैंने उसको भी यूज करके देखा और उसमें भी वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है। बट मैंने कुछ तरीका ऐसा निकाला है जहां पे वॉच टाइम थोड़ा सस्टेन होना स्टार्ट हो गया है। मेन रीजन क्या होता है मैं आपको यह बताता हूँ। मेन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक यूट्यूब जो चेक करता है वो देखता है यूजर एजेंट। अब हर एक मोबाइल का एक अपना यूजर एजेंट होता है, एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसका जो यूट्यूब के पास में जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फोकस होना चाहिए उस चीज के ऊपर में जो अभी तक कोई यूज नहीं करता हो। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं रैंडम यूजर की बात करूं तो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको यूज करता था वॉच टाइम के लिए, ठीक है, इंडिया में तो सबसे ज्यादा यूज होता था। उसके बाद में एक और रैंडम यूजर स्विचर आया, लोग उसको यूज करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूट्यूब के पास वो चीज हमेशा जाने लगा कि बार बार इसी यूजर एजेंट के साइड से ही वॉच टाइम क्यों जा रहा है। तो धीरे 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 करते करते क्या हुआ, वॉच टाइम ड्रॉप होने का चालू हो गया। अब यूट्यूब ने जिस चीज को ट्रैक कर लिया, पकड़ लिया जिस चीज को, तो भाई उसको तो वो बैन करेगा ही करेगा। अब अगर बात करते हैं आईपी के ऊपर लेके, तो ऐसे बहुत सारे रेसिडेंशियल आईपीज होते हैं जो हमेशा चेंज होता है। अगर आप बात करो अपने ही मोबाइल का, ठीक है, तो आप उसको फ्लाइट मोड में ऑन करो, ठीक है, और फ्लाइट मोड फिर से ऑफ कर दो और फिर आईपी चेक करो, तो हर बार आपको नया नया आईपी मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब इस तरीके से बैन कर सकता है। यहाँ पे कुछ बग आया है जो मुझे ऐसा लगता है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और वो बग का रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले यूट्यूब ने एक अनाउंसमेंट डाला था कि 3000 वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर पे भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिसपे कुछ फीचर्स अनेबल हो जाएंगे। और उसमें जो हमारा फीचर, जो हमारा काम का फीचर है, वो एड सर्व होने का जो है वो बेसिकली अनेबल हो जाएगा, और जो कि टायर 4 कंट्री में स्टार्ट हुआ, जैसे कि USA, कनाडा, ठीक है, इन सब जगहों पे सबसे पहले टेस्टिंग स्टार्ट हुआ। अब YouTube जब उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू करेगा उस चीज को, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आ सकती है। और ये वही चीज है। सेकंड, आज लास्ट डेट है YPP जो प्रोग्राम होता है YouTube का, उसको एक्सेप्ट करने का। बहुत सारे लोगों ने जो अगर उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा हुआ तो उनका चैनल डीमोनेटाइज फिर से हो जाएगा। आप घबराए मत, आपने हो सकता किया होगा, बट अगर जो नहीं किया है उसका आज लास्ट डेट है करने का। और ये चीज YouTube ने ट्विटर पे अपडेट भी किया है।
तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर रही है अभी फ़िलहाल हमारे इस वॉच टाइम सर्विस पे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस किसी को भी वॉच टाइम के लिए पेमेंट कर रखा होगा उन सबसे भी पैसे मांग लो, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा लंबा जाएगा और मुझे लगता है 10-15 दिन तक तो जाएगा ही जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल से वॉच टाइम देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक जेन्युइन सा तरीका है जिससे मैं व्यू प्रोवाइड करता हूँ, और जो मेरा मेथड है व्यू वाला, उससे मैंने ये चीज़ टेस्ट करा है। वहाँ से जो वॉच टाइम आ रहा है वो ड्रॉप नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो यूज़र होता है वो प्रॉपर यूट्यूब का ही होता है। जो मेरा कोर्स है मैंने उसमें उस चीज़ को बताया है इसके बारे में कि आप किस तरीके से व्यू ले सकते हैं, और उस व्यू से जो वॉच टाइम भी आता है ना वो ड्रॉप नहीं करता है, ठीक है। तो वो वाला मेथड तो मेरा वर्किंग है, बट वो कॉस्टली है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, वो एक ही चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर से। तो पैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं अभी, पर वो भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, 6 मोनेटाइज तक रहेगा, यही बोल रहे वो भी। तो अब फिलहाल तो यही चल रहा है अभी, बाकी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे वॉच टाइम के ऊपर और अच्छा डिटेल से बताऊँगा चीज़ों को। अगर मेरा वो चीज़ सक्सेस हो गया तो मैं फ्री में ही अपडेट दूंगा और मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा उस चीज़ को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।